सा गलत फाइल लग गया, थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो अब लोग को वॉइस मिल रहा है? ओके, जी सर। अच्छा आप लोग बोल रहे कि ये रामायण, अलग अलग रामायण कैसे, देखिए समझ लीजिएगा, भारत में क्या है कि अलग अलग जो भाषा है उस भाषा के हिसाब से क्या होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के रामायण लिखे गए हैं। तो भाषा के आधार पर क्या हुआ था, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के रामायण है। जैसे आप लोगों को बताया कि जो वाल्मीकि रामायण है वो संस्कृत में लिखा गया है, जो तुलसीदास जी का रामायण है वो अवधी भाषा में लिखा गया है, एक रामायण है कम्बन रामायण जो तमिल भाषा में लिखा है, एक कन्नड़ रामायण है, उसी तरह बंगला रामायण है, उर्दू रामायण भी है, फारसी रामायण भी है, उसके बाद तिब्बतन रामायण यह है, इंडोनेशिया में भी अलग रामायण चलता है। क्योंकि देखिएगा इसमें अंतर यह है ना कि ये जो हमारे देश के जो जिसे कहते हैं साउथ ईस्ट कहते हैं, जिसको इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड वगैरह हो गया, यहाँ पे भारतीय व्यापार कल्चर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था पहले प्राचीन काल में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो व्यापारी जाते थे वो केवल क्या है, व्यापार केवल पैसे का नहीं होता, उसके साथ कल्चर का भी व्यापार होता है। अब बोले कैसे, अब देखिए यूरोप के लोग भारत में आए हैं तो हम लोग कितने ज्यादा कल्चर यूरोप से अडॉप्ट कर लिए हैं, उसी प्रकार से आपको बताया था जो बुरु बुरु बोदोर का जो स्तूप है, उसके बाद जो अंकोरवाट का जो मंदिर है, ये सब क्या है, हिंदू मंदिर है या बौद्ध मंदिर है जो इन देशों में बनाए गए हैं। और आप लोग देखोगे इंडोनेशिया में भी कि अलग से रामायण है। तो रामायण यहाँ पे बहुत सारे चीज है। और दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ पे जो भगवान है ना उसका एकीकरण हुआ है, अलग अलग भगवानों को अलग अलग समय पर उसका एकीकरण किया गया है, इसलिए ये बहुत सारे विविधता दिखाई देता है। जैसे आपने सुना होगा पहले नारायण होते थे, फिर विष्णु होते थे, और विष्णु के बाद उसको कृष्ण के साथ अटैच कर दिया, और ये बहुत सारे चीजें। तो ये कबीलाई समाज जो था वो धीरे धीरे तरह से एकजुट होते गए। तो इसमें क्या है, अलग अलग तरह के और अलग अलग तरह के जो कानून व्यवस्था है या वहाँ के जो लोकल कल्चर है, आप श्रीलंका में जाइएगा, श्रीलंका में आज से 50 साल या अभी 30-40 साल पहले रामायण के बारे में वो लोग उतना जानते नहीं थे। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, और आपको बताया था कि श्रीलंका में जो हीनयान वाला जो बौद्ध धर्म है वो मूर्ति पूजा को पर विश्वास ही नहीं करते। तो इसलिए क्या है, श्रीलंका में रामायण के बारे में आजकल क्या पर्यटन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बनता जा रहा है, इसलिए श्रीलंका में भी क्या अब सीता मंदिर, राम मंदिर, हनुमान के पैर के निशान वगैरह वगैरह बना के भी क्या टूरिज्म बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। तो वो अलग बात है, सेंटिमेंट का मैटर है, तो उसमें इनकम हो जाता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि रामायण एक जैसा नहीं है। जो आपको बताया कि जो रामानंद सागर जी का जो रामायण है वो भी 24 रामायणों का जो मेन थॉट को लेके बनाया लिखा गया है या बनाया गया धारावाहिक है, उसमें भी किसी ने दावा नहीं किया कि ये ओरिजिनल रामायण है। तो अलग अलग क्षेत्र के बाइस इसमें लिखा गया है। अगर आप जो बंगाल का रामायण है उसमें क्या है, शक्ति पूजा पर ज्यादा बल दिया है। आप लोगों ने रामायण देखे होंगे, उसमें देखे होंगे कि जब राम लंका पर चढ़ाई करने से पहले क्या है, शक्ति जी का पूजा करते हैं। तो राम को जो शक्ति मिला है वो किससे मिला है, दुर्गा या जिसको काली दुर्गा जो भी बोले उनसे शक्ति मिला। तो बंगाल में क्या है, मानते हैं कि शक्ति बड़ा है, राम छोटा है। ये अब चुनाव में भी आप लोग देखते हैं, बंगाल में अधिकतर क्या है, राम पहले नहीं था, अभी थोड़ा बीजेपी वगैरह आके वो बहुत ज्यादा वो हो गया है, बल्कि राम को मानते ही नहीं थे उधर के लोग, मतलब भगवान के रूप में उतना ज्यादा मानते नहीं थे जितना नॉर्थ इंडियन इतना मानते थे। तो अलग अलग जगह पे, उसके बाद दक्षिण भारत में जाइएगा तो वहां पे राम को परदेशी बताया जाता है कि वो दक्षिण भारत में क्यों आए, वहां के कल्चर को तहस नहस कर दिया, बहुत सारी चीज है। उसके बाद कि वहां पे क्या है, एक देवता होता है मुरुगन होते हैं, मुरुगन, तो वो अलग अलग जगह से अलग अलग जो कल्चर है उसी कल्चर ये चीज होते रहते हैं। अब देखिएगा पहला टॉपिक तो आपका ये था कि कल्चर के और लिटरेचर के आधार पर क्या क्या था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आर्कोलॉजिकल के रूप में दो टॉपिक है, ये जो प्राचीन भारत में जो प्राकृतिक शोक है उसमें दो है, एक साहित्य है और एक क्या है आपका आर्कोलॉजी। देखिए आर्कोलॉजी का
जो एविडेंस है ना वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। अब बोला कि ऑथेंटिक क्यों माना जाता है, यानी सबसे ज्यादा विश्वास उसी को किया जाता है। इसको करने का कारण दो कारण है, एक तो क्या है, ये मिट्टी के अंदर मतलब गहराई में रहे हैं, तो इसके साथ छेड़छानी खारी खारी नहीं किया गया है। मतलब छेड़छानी का मतलब क्या होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जैसे देखिए किताबों के साथ बदलाव किया जा सकता है, अभी वो आपको बताया कि एक रामायण में कितने ज्यादा रामायण है, उसमें अलग अलग थॉट अलग अलग व्यक्ति का आ जाता है। लेकिन क्या है, जो प्रातात्विक साक्ष्य जमीन के अंदर दफनान था या जमीन के अंदर पाया गया है, उसमें किसी ने कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसे वो रहा वैसे ही पाया गया। इसीलिए जो प्राकृतिक स्रोत है या जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है इसको ज्यादा अहमियत देता है। आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, भारत में फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, यानी भारत में पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है, आप लोग बताइए। कनिंघम कनिंघम कहेंगे या अलेक्जेंडर को कहेंगे, कंफ्यूज नहीं, कनिंघम को नहीं कहेंगे बल्कि अलेक्जेंडर कहेंगे। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर भारत में देखिए क्या हुआ था, अगर आप पढ़ेंगे, आप लोगों ने एक गवर्नर जनरल का नाम सुना होगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने सबसे पहले प्रातात्विक विभाग बनाया था भारत में, जो हमारे यहाँ पे प्राकृतिक चीज है उसका उत्खनन कैसे किया जाए, उसका कैसे संरक्षण किया जाए, इसके बारे में सबसे पहले उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया। और उसी के डिपार्टमेंट के अंतर्गत क्या अलेक्जेंडर काम करते, और उसी में के अंतर्गत क्या है, एक था जॉन मार्शल करके। जॉन मार्शल को क्या है, ये जो पाकिस्तान में आजकल जो हड़प्पा वाला क्षेत्र आप लोग जानते हैं, ये बताएंगे उनमें क्या होता है, उनमें रेल लाइन बिछाने के लिए मतलब बिछाए जा रहे थे, तो वहां पे जो अवशेष मिले थे तो उसका जांच करने के लिए पहले मार्शल को भेजा गया था। और मार्शल के साथ क्या कौन थे, जो दयानंद साहनी जो थे, जिसको भारत में जो पहले भारतीय है जो आर्कियोलॉजिस्ट है, दयानंद साहनी। तो दयानंद साहनी उनके नेतृत्व में क्या सबसे पहले हड़प्पा की खोज किया था 1931 में, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना किसने किया था, 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, तो अलेक्जेंडर पहले थे, और उसके बाद कनिंघम, और कनिंघम के बाद जॉन मार्शल, और उनके बाद क्या था, बहुत सारे भारतीय इसमें इंक्लूड हो गया, जैसे दयानंद सरस्वती का नाम सुने होगा, उसके बाद और बहुत सारे जो आपको हड़प्पा अगला चैप्टर है उसमें आपको बताया जाएगा। देखिए आर्कोलॉजी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट है शिलालेख, आप लोग क्या बता सकते हैं कि भारत में जो शिलालेख, शिलालेख मतलब जो पत्थर का जो स्टोन का जो पिलर है उसको लगाया गया है, सबसे पहले भारत में किसने शिलालेख को जन्म दिया, यानी शिलालेख सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था और किनके द्वारा स्थापित किया गया, क्या भारतीय द्वारा स्थापित किया गया था या कोई विदेशी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। आप लोग ने सबने पढ़े अशोक, होंगे अशोक ने स्थापित किया है, क्योंकि अशोक अशोक पहला व्यक्ति नहीं था, हाँ ध्यान दीजिएगा। देखिएगा अच्छा एक व्यक्ति था ईरानी शासक, ईरानी शासक जिनका नाम था दारा प्रथम। दारा प्रथम भारत में लगभग 500 जो बीसी है उस समय आक्रमण किया था अशोक से पहले। उन्होंने सबसे पहले भारत में, या उन्होंने क्या है, ये शिलालेख का क्या है कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि आप अगर आप लोगों ने थोड़ा इतिहास को थोड़ा सा और एक गहराई से पढ़े होंगे तो जानते हैं, ईरानी जो ईरान है ना, ईरान में एक जगह है जहाँ पे एक बहुत प्राचीन शिलालेख पाया गया है, जो 1400 BC का एक शिलालेख पाया गया है, जिसमें बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के नाम उसमें उल्लेख किया गया है। आप उस शिलालेख का नाम बताइएगा, अगर नहीं आता है तो आप सबको बताओ, अगले वाले चैप्टर में उसी में आपको बताऊंगा जब वैदिक काल पढ़ाएंगे। सबसे पहले जो शिलालेख है वो 1400 BC का शिलालेख है, वो ईरान में पाया गया। इसलिए ईरान क्या है, ईरानी जो शासक था, ईरान में है शिलालेख का उदय हुआ है। और भारत में सबसे पहले शिलालेख किसने स्थापित करवाया था, दारा प्रथम। शिलालेख क्या है, एक पत्थर को काट के उसमें पॉलिश करके कुछ लेख लिखे जाते थे, और वो लेख क्या है, जो राजा के आज्ञा होते थे वही है, राजा के जो आज्ञा होते थे या उनके जो इंफॉर्मेशन होते थे वही इसमें होते। और ये शिलालेख क्या होते थे, इसमें जो कि लिखे होते थे, जैसे अशोक का था
उसमें क्या था कि प्रत्येक शाम को या कोई दिन इम्पोर्टेंट होते थे, उसी दिन गांव के या आसपास के लोग को वहां पे बुलाया जाता था और उनको पढ़ के एक पढ़ के सुनाने वाले होते थे। ऐसे मत समझे कि केवल लिखा गया है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा उत्तराखंड में कालसी वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे भी क्या है उसको पढ़ के सुनाया जाता है। और ये क्या है, ये जो देखिए पहले के जो शिलालेख थे अशोक काल के भी जो शिलालेख पाया गया ना, ये क्या है संस्कृत में नहीं लिखा गया है। आप लोग जानते हैं कि जो अशोक के आगे पढ़ेंगे, जो अशोक के जो शिलालेख है, अशोक कालीन जो शिलालेख है, इसमें जो लेख है मेनली प्राकृत लेख का है, या कहीं कहीं पे पाली लेख आपको मिल जाएगा। ये भाषा की बात बोल रहा हूँ, लेख मतलब भाषा। देखिए भाषा अलग होता है और एक लिपि अलग होता है जिसको स्क्रिप्ट कहते हैं। लिपि चार प्रकार के थे, एक था ब्राह्मी, एक था अरामाइक, अरामाइक, एक था यूनानी और एक था फारसी। ये क्या था, लिपि था, स्क्रिप्ट था, और भाषा क्या था, प्राकृत और पाली। अधिकतर प्राकृत, प्राकृत का मतलब आम लोगों के बोलचाल, प्राकृत का मतलब यहाँ पे क्या है, आम लोग जो बोलते थे उसी को प्राकृत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आम लोगों के बातचीत बातचीत जो होते वो प्राकृत भाषा में बोली जाती है। ये तो अशोक कालीन हुआ। आप लोग बता सकते हैं कि भारत का पहला संस्कृत में लिखा हुआ शिलालेख कौन सा? क्वेश्चन देखिए यहीं से पूछ रहे हैं, संस्कृत में लिखा हुआ भारत का पहला जो शिलालेख है वो गुजरात से मिला है, जो गुजरात की जगह है जूनागढ़, जूनागढ़ से मिला है, जूनागढ़ का देश नगर शिलालेख। जो बेस नगर शिलालेख है ये क्या है, पहला संस्कृत में लिखा गया है, और इसको एक विदेशी ने लिखा था जिसका नाम था हेलियो डोरस। और इसमें सबसे पहली बार जो जिसे कहते हैं भागवत धर्म का पहली बार उल्लेख किसी की शिलालेख में किया गया था। ये भागवत, वैष्णव, ये अलग अलग धर्म के पंथ है, पंथ मतलब संप्रदाय है। तो भागवत संप्रदाय अलग होता है, वैष्णव संप्रदाय अलग होता है, भागवत संप्रदाय अलग और वैष्णव अलग होते हैं, धर्म में होते हैं। तो ठीक है, तो ये बेसनगर का जो शिलालेख है जो गुजरात से पाया गया है, जूनागढ़ से, वो क्या है संस्कृत का पहला शिलालेख है, और उसको हेलियोडोरस ने इसको खुदवाया था या लिखवाया था। तो शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिलालेख में जो बात लिखी गई है वो वैसे का वैसे ही है, उसमें फेरबदल नहीं किया गया है, उसमें कोई भी परिवर्तन उसमें आपको नहीं दिखता है भूमिगत। इसमें देखिए कौन 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 सा शिलालेख क्या इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लीजिए। तो ये अशोक के जो शिलालेख है, मेन शिलालेख क्या है, अशोक के हैं, अशोक के मेन शिलालेख हैं। तो अशोक के जो शिलालेख है इसमें आपको बताया कि चार प्रकार के लिपि का इस्तेमाल किया गया है, और मेनली पाली और प्राकृत और पाली भाषा का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अशोक के जो शिलालेख है ये जो मुख्य शिलालेख है, और उसमें क्या है जो शिलालेख है उसमें 14 स्टेटमेंट लिखी होती थी, 14 कथन लिखी होती थी, और इन कथनों को क्या है पढ़ा जाता है। इनके जो शिलालेख है, शिलालेख में जो भाषा या लिपि है उसको सबसे पहले पढ़ने का काम किया था जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप पहला व्यक्ति है जिन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया उत्तराखंड और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पूछा, और भारत में सबसे पहले शिलालेख किसने लाया था, दारा प्रथम, और अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। और अशोक के शिलालेख में कितने लिपियां हैं, चार प्रकार की लिपि है, अधिकतर शिलालेख क्या है आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया, भाषा अलग होता है और लिपि अलग होता है, हम लोग जानते हैं। इसके बाद देखिएगा जो अलग देशनगर वाला बताया कि सबसे पहले संस्कृत का सबसे पहला उल्लेख मिलता है, उसको लिखा था हेलियोडोरस। इसके बाद एक शिलालेख आपको गुप्त काल में मिलेगा जिसको आप लोगों ने एरन शिलालेख कहते हैं। एरन मेन मेन आपको बता देता हूँ, इसमें पहली बार शक्ति पटना का उल्लेख मिलता है।
जो सती प्रथा है उसका उल्लेख क्या है, इसी में आपको मिलता है। इसमें आपका सती प्रथा का पहला उल्लेख इसमें मिलता है, एरन अभिलेख में मिलता है। एरन में क्या है, सती प्रथा का पहला अभिलेख साथ से मिलता है, इसको भी ध्यान रखना। और भी बहुत सारे शिलालेख है, अब एक करके आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको यहाँ तक समझिएगा कि बाकी जो राजवंश आएंगे तो उनके शिलालेख जब बता दे देंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सिक्के और मुद्रा, देखिएगा पुरातत्व साक्ष्य में क्या है, जो क्वाइंस है वो उसका इंपॉर्टेंट होगा। देखिए सिक्के का मतलब केवल आर्थिक को मत समझिएगा, सिक्का क्या है, किसी राजा के महानता, उसके सामाजिक धार्मिक राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है, उन सारे चीजों का उसमें इंडिकेशन होता है। कैसे, एक राजा ने अपने सिक्के के ऊपर अश्वमेध यज्ञ का चित्र लगा दिया, तो इससे मतलब है कि वो राजा क्या है, अश्वमेध यज्ञ करने वाला, धार्मिक बहुत ज्यादा है। एक राजा ने उसमें क्या है, तीर धनुष का लगा दिया या कुछ भी चीज लगा दिया, तो उसका महत्व है। और उसके जो मूल्य होते थे, सिक्के के जो वजन होते थे, उसमें जो शुद्धता होती थी, इससे राजा के जो राज खजाना है या जिसको राजकोष कहते हैं, इसकी महत्ता मालूम पड़ता है। अगर मान ले कोई राजा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए तो उसका राजकोष बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन अभी भी क्या है, हमारे देश में मानते हैं कि इकोनॉमी बड़ा होना चाहिए, 5 ट्रिलियन डॉलर बनाना है 2025 तक। तो 5 ट्रिलियन डॉलर का मतलब क्या है, हमारे जो करेंसी है या जो मुद्रा है उसका क्या होना चाहिए, वैल्यू बढ़े। अब जानते हैं इस समय के अमेरिकन डॉलर का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। अब देखिए सिक्के, इसलिए क्या है सिक्के, अब देखिए भारत में जो सबसे पहले जो सिक्के बनाए गए थे ना, ये 5वीं सदी में यानी 5वीं BC में बनाए गए थे, 500 BC में। इसमें जो सिक्के थे उसको आहत सिक्के कहते थे, या इसे आप इंग्लिश में पंच मार्क सिक्के कहते थे, पंच मार्क कॉइन्स कहते थे। इसमें क्या होता है, ये अधिकतर चांदी के थे और तांबा के, कॉपर के, ये सोने के नहीं। इसमें किसी राजा के फोटो वगैरह नहीं होते थे, ये सामान्य सिक्के कहा जाता है। जब भारत में कौन आए, यूनानी आए, तो यूनानी लोगों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन ये बड़े पैमाने में और शुद्ध सोने के सिक्के जारी नहीं किए, यानी गोल्ड कॉइन क्या है, यूनानी ने शुरू किया था। इसके बाद जब कुषाण लोग आए, कुषाण अगर आगे 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 पढ़ेंगे, कुषाण आए तो इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, शुद्ध सोने के सिक्के। आप लोगों ने नाम सुना था, भीम कटकेसस का नाम सुना होगा, कनिष्क का नाम सुना होगा, इन्होंने क्या है, क्योंकि शुद्ध सोने का सिक्के चलाने का मतलब होता है विदेशी व्यापार बढ़ना। अगर आपके पास करेंसी अच्छी होगी तभी तो आपका विदेशी व्यापार बढ़ेगा, और किसी के पास अगर चांदी या तांबे के सिक्के होंगे तो इसमें क्या होगा, स्थानीय व्यापार ज्यादा होगा, विदेशी माल बहुमूल्य। देखे हाँ, देखिए आप लोग जानते हैं कि हमारे देश जो ऑयल वगैरह विदेशों से खरीदते हैं ना, वो इंडियन रुपीज में नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि इंडियन रुपीज क्या है, कमजोर है, जिसको सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है। अब लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे, सॉफ्ट करेंसी हार्ड करेंसी, ठीक है। तो करेंसी का जो करेंसी ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाए उसको सॉफ्ट करेंसी कहते हैं, और जो करेंसी क्या होता है आसानी से उपलब्ध नहीं होता मार्केट में, उसको क्या होता है, हॉट करेंसी कहा जाता है। जो सोने थे उस समय, तो उस समय समझिएगा ये क्या था, हॉट करेंसी था। और जो उसमें चांदी या तांबा या शीशा के करेंसी थे उस समय, जो मुद्रा हुआ थी वो क्या था, आपका सॉफ्ट करेंसी हुआ करता था। तो शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया था, कनिष्क, और सबसे ज्यादा सोने के सिक्का किसने चलाया था, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के। लेकिन ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको एकदम याद रखिएगा, मुंह जब नहीं आता तो दोबारा पूछेगा। ये गुप्त काल में चलाया गया, यानी गुप्त शासन द्वारा चलाया गया। अगर सबसे ज्यादा सोने के सिक्के की बात करें तो क्या है, गुप्त, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के की बात की जाए तो कुषाणों ने चलाया। सबसे पहले सोने के सिक्का किसने चलाता है, आपका यूनानी लोगों ने चलाया। आप एक वंश का नाम आपने सुना होगा, सातवाहन। सातवाहनों ने जो सिक्के चलाए वो क्या है, वो लोहे तो उस समय नहीं थे, जो शीशे के सिक्के होते थे, शीशे के सिक्के।
शीशे का मतलब दर्पण वाला शीशे नहीं, जिसको लैट कहते हैं वो वाला शीशा, दर्पण मशीन मतलब ये लैट वाला जो शीशा होता है वो शीशा, तो सात वाहनों ने ये कहा था। तो ये शब्द क्या है, प्रत्यक्ष साक्ष क्या है, जो क्वाइंस होता है उससे भी हमें बहुत सारे प्रत्यक्ष साक्ष मिलता है और उसमें राजा के फोटो वगैरह होता है। जैसे आप लोगों ने सुने होंगे जो चंद्रगुप्त है उन्होंने क्या है सिक्कों पे अपने आप को स्थापित करा। उसके बाद देखिए मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन आप जानते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन है वो क्या है प्रत्यक्ष साक्ष के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप आगे पढ़ेंगे जो आये लोग जो मध्य एशिया से भारत में आए थे तो उन्होंने जो मिट्टी के बर्तन का यूज किया था, जिन जिन राष्ट्र से ये लोग आए थे उनमें वैसे ही पाया गया। जैसे PGW का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, प्रिंटेड ग्रे जो टीचर है उसका नाम सुने होगा, NPW का नाम सुने होंगे। ये अलग अलग प्रकार के जो होते तो अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग मिलते थे। उसके बाद मूर्तियां, देखिये मूर्तियां दो शैली में पहले बनाए थे, एक था गांधार शैली और एक था मथुरा शैली, इन दोनों में मूर्तियां बनी थी। ये था मतलब मिक्स शैली कहते हैं इसको, मिक्स, और ये था स्वदेशी शैली, यानी पूरी तरह से भारतीय शैली। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी शैली कौन सा है, मथुरा शैली है, और मिक्स जो शैली है वो मिक्स मतलब शैली है वो आपका गांधार शैली। मूर्तियों में देखेगा सबसे पहले आपको पता था कि बुद्ध जी का मूर्ति सबसे पहले बनाया गया, विष्णु शिव की मूर्ति सबसे पहले बने, बुद्ध जी का मूर्ति सबसे पहले बनाया गया है। उनके बहुत सारे मूर्ति आपको अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलते, तो ये मूर्ति कला मेरी क्या है इतना। आप लोगों ने देखा होगा जो अजंता अलोरा या बहुत सारी जगह पे जो गुफाओं में उनके क्या है मूर्तियाँ पाई गई है, तो उन मूर्तियों में क्या है इस तरह के मूर्ति बनाए, शैली से इन्होंने मूर्ति बनाए। उसके बाद गुफा जो रॉक्स वगैरह होते हैं, जैसे आपको अजंता एलोरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसके बाद देखिए सबसे पहले की अगर बात किया जाए तो इसमें आता है आपका तो बहुत ही इम्पोर्टेंट माता, मध्य प्रदेश में एक जगह है बाघ का गुफा, ये बहुत सारे क्या होता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है भीमबेटका का गुफा, भारत का सबसे प्राचीन गुफा इसे माना जाता है, भीमबेटका कहाँ पे है मध्य प्रदेश। इसमें जो आदिवासी लोग थे या आप कहेंगे जो पाषाण काल के जो लोग थे वो पत्तों से रंग बना के उसमें कलाकृति बनाया है, इसलिए बहुत गर्व है। तो भीमबेटका क्या भारत का सबसे प्राचीन कलाकृति का यानी गुफाओं में बनाए गए चित्र का नमूना यहाँ से मिलता है, वहां से भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ, भीमबेटका के बाद आपका क्या अजंता एलोरा नाम सुने आपको बताया भी है, उसके बाद बाघ, ये सारे गुफा है, इनमें क्या है बहुत सारे आपका गुफा चित्र पाया गया, रॉक कला पाया गया है, तो इस पे भी आप लोग ध्यान दें। तो ये सारे जो प्रतात्विक है इससे क्या होता है प्राचीन काल के जो हमारे एंशंट इंडिया है उसके जो एक मैपिंग करने का हमें आइडिया मिल पाता है। लेकिन क्या होता है ये सभी एकदम 100% इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता 100%, क्योंकि क्या होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो खुदाई हुआ ना, खुदाई क्या होता है लंबवत खुदाई हुई है। देखिए खुदाई कैसे हुई है, ऐसे डायरेक्ट खुदाई हुई है। इसमें क्या होगा कि देखिए अलग अलग कालक्रम के अनुसार इसमें अलग अलग प्रकार के क्या था वस्तुएं पाए गए हैं। अगर ऐसे खुदाई करेंगे तो ये वाला वस्तु और ये वाला वस्तु मैच हो जाता है, इसलिए मालूम रहता है कि ये ऊपर था ये ऊपर था। खुदाई कैसे होना चाहिए था, समांतर रूप से खुदाई होना, तो पहले इसने को उठा लिया फिर इसने को उठा लिया। अगर ऐसे अगर खुदाई होता है तो क्या होता है ज्यादा सटीक मिलता है। तो हमारे यहाँ से जो लंबवत खुदाई हुई है इसके कारण क्या होता है प्राकृतिक चीजों के बहुत सारे अशुद्धियां मिल जाती है। ठीक है, तो आप लोग देखिए आज क्लास यहाँ समाप्त करेंगे। आप लोगों क्या है एक टेस्ट सीरीज टाइप का एक वो भी आपको दूंगा जिससे कि आप लगाइए, जहां पे आपको नहीं आता है आप पूछिए, क्योंकि जितने भी दिन रह गए हैं उसमें थोड़ा सा 10-10 घंटा मेहनत कर दीजिएगा, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है आप निकल नहीं पाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, फोन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
मैसेज के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और आपको अभी क्या एक सेट भी दे देता हूँ, इसको वीडियो तो देगा और